छोटे छोटे दोस्त देवी और सज्जनों, आ पहुंचे हम हाजिर जवाब छोटा बीरबल के आखिरी पड़ाव। तीनों महारथी हैं तैयार, देखते हैं कौन बनता है आज का छोटा बीरबल, कौन जीतता है बीरबल की मूंछ और बढ़ाता है एक और कदम बीरबल की चतुर पगड़ी की। आज हम आप तीनों से कुछ सवाल पूछेंगे। हमारे सवाल पूछने के बाद जिसको भी जवाब आता हो वो अपने हाथ उठाएगा। हाथ उठाने के बाद हम जिसका नाम लेंगे उसे ही उत्तर देना है। पहला सवाल ये बताइए कि आपके अगले जन्म में अगर आप कोई जानवर बन सकते हैं तो कौन सा जानवर बनना पसंद करेंगे और क्यों? आप बताइए सलोनी। मुझे अगले जन्म में डॉगी बनना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत फ्रेंडली होता है और सब लोग ज्यादा कुत्ते को ही प्यार करते हैं। ओहो। और जो उसको चाहिए वो खाने को मिलता है। बट मुझे स्ट्रीट डॉग नहीं, पेट बनना है। इमैनुअल आपने भी हाथ उठाया था। हाँ, आप बताइए आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? मुझे एक चिड़िया बनना है। चिड़िया? क्यों चिड़िया बनना है आपको? क्योंकि मुझे पूरी दुनिया को आसमान से देखना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे उड़ना है। अर्श खान, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? ईगल। ईगल बनना चाहते हैं आप, क्यों? मुझे देखना लोग कैसे रहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? हम गधे बनना चाहते हैं। गधा? क्यों? गधा इसलिए क्योंकि हम जितना समझते हैं गधा उतना मूर्ख होता नहीं, और दुनिया का सिर्फ एक प्राणी है गधा जो एक बार की हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराता। चलिए ये बताइए कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, जिसका दंडा उसी की भैंस। क्योंकि जो धंधा होता है उससे भैंस को मारेंगे तभी तो वो चलेगा। अर्श क्या लगता है आपको, जिसका डंडा उसी की भैंस, इसका मतलब क्या है? मतलब जिसका डंडा उसी की भैंस। ठीक, हम आपको बताते हैं। जिसके हाथ में शक्ति होती है उसी की चलती है, हर कोई उसी की मानता है और हर कोई उसी के कहने पर चलता है, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। राजा अकबर। हाँ, जैसे हमारे जापना। बिल्कुल सही कहा। जैसे अकबर बीरबल। जैसे अकबर बीरबल। तो इस मुहावरे के हिसाब से तो हम तो भैंस हो गए। चलिए तैयार हो जाइए, आज का आखिरी सवाल। अगर आपके पास कुछ पैसे तो इसे दुगना करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इमैनुअल पहले आप बताइए। उसे मैं बैंक में डालूंगा और इंश्योरेंस करा दूंगा तो पैसे डबल होते जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब ख्याल है आपके। अर्श खान, दूसरा हाथ आपने उठाया था, आप बताइए। बाय वर्किंग हार्ड। मतलब आप मेहनत करोगे। हाँ। उस पैसे से कुछ व्यवसाय करोगे, कुछ काम धंधा करोगे और फिर उस मेहनत की कमाई से उस पैसे को दुगना। वाह वाह, ये भी बड़ा ही नेक विचार है आपका। और सलोनी, आप पैसे को दुगना कैसे करोगे? उसको आईने के सामने रख दो, डबल हो जाएगा। आप तीनों जाकर अपने अपने कक्ष में कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए, तब तक हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज का छोटा बीरबल कौन है। आज के तीनों ही बच्चे काफी होशियार हैं, तीनों में अपनी अपनी खूबियां हैं, तीनों ही योग्य हैं छोटा बीरबल बनने के। लेकिन छोटा बीरबल तो तीनों में से एक ही बनेगा। हर्ष खान जो है वो थोड़े डरे डरे से, थोड़े सहमे सहमे से, लेकिन इससे उनका जज्बा बिल्कुल ही कम नहीं होता क्योंकि वो बेहद ही समझदार है। सलोनी और इमैनुअल जो है दोनों ही चतुर है, चालाक है और हाजिर जवाब भी है। हमारे हिसाब से इमैनुअल जो है उसमें राजा बनने के सारे गुण है। वो आगे चलकर हमारे बादशाह अकबर की तरह एक अच्छा शासक, एक अच्छा राजा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, छोटा बीरबल तो वही बनेगा जो निडर, जिसमें सच्चाई और जिसने आज हमें भी चुनौती दे दी, जो दिल में आया वो कहा। तो आज का छोटा बीरबल है सलोनी।
हमें ऐसा लग रहा है कि ये मूछें हमसे ज्यादा आप पर जच रही हैं। आप फिर से पका रहे हो? क्या करें, हमें ज्यादा बोलने की आदत है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जवाब देना, ठीक है? हाँ, पूछिए। अच्छा ये बताओ, हम पानी क्यों पीते हैं? इतना आसान सवाल, क्योंकि हमें प्यास लगती है। गलत जवाब। तो आप बताइए कि हम पानी क्यों पीते हैं? अरे क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। सही कहा आपने, हम पानी खा नहीं सकते इसीलिए पानी पीते हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा मेरे छोटा बीरबल। अब हम जा रहे हैं, कल फिर लौटेंगे ढूंढने एक नया छोटा बीरबल। देखते रहिएगा हाजिर जवाब, छोटा बीरबल।